भाईंदर पश्चिम के 90 शेर रोड पर स्थित इस एल पोरवाला स्कूल में भाजपा महाराष्ट्र युवा उपाध्यक्ष गौरव पोरवाल ने मजदूर दिवस के दिन रोजगार शिविर का आयोजन किया था। इस शिविर में 6000 से ज़्यादा युवक युवतियों ने हिस्सा लेकर अपनी योग्यताओं के अनुसार नौकरी के लिए आवेदन किया। गौरव पोरवाला पिछले 3 सालों से इसी तरह बेरोजगार युवकों की आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार शिविर का आयोजन कर रहे हैं। नए जमाने की युवा सोच गौरव पोरवाल की सोच को साकार करने के लिए कई मल्टीनेशनल कंपनियां हर साल रोजगार शिविर में कैंप लगाकर युवक युवतियों को सीधे संवाद साधकर उन्हें अपनी कंपनी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि मेरा एक सपना रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट करा सकूँ या दे सकूँ या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकूँ, तो यही मेरा ड्रीम रहा और मैं इसी के लिए हर बार काम करता हूँ। मैं बहुत कष्ट लेके जो एक्टिविटीज़ है या जो पॉसिबल कंपनीज है या रिक्रूटमेंट फैसिलिटीज़ है जो मैं ला सकता हूँ, मैं लाने की हर बार कोशिश करता हूँ। मैं ये चीज़ लगातार 3 साल से कर रहा हूँ और इस साल हमारा रजिस्ट्रेशन करीबन 6421 लोगों का हुआ है फॉर द जॉब्स। एंड इन द पास्ट 3 ईयर्स वी बीन एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू 341 पीपल। सो या दिस इज़ द थिंग, मैं ये करते आ रहा हूँ और मेरा सपना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे पाऊँ। आपके यहाँ से जो आपने जॉब अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को दी है, तो उसमें से कितने लोग जो हैं जिन्होंने आपको इस मतलब गुड विशेस आपके लिए दिए हैं? There been a lot of people, वो बहुत बोलते हैं, बहुत सारे लोग आए मिले मुझे, बोलते हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, कि ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि there are a lot of students जो पास आउट होते हैं उनके पास कुछ है नहीं, उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया उनके करियर के लिए, what they want to do, how they want to take their life ahead, किन की अलग नीड्स है, सब कुछ है। तो that's why they say that you're taking a good initiative and I'm loving the response I'm getting from the people. गौरव जी, ये जॉब फेयर मेला जो आप लगाते हैं लोगों के लिए रोजगार देते हैं, तो इसके लिए किस प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है आपको पहले? आप बेसिकली हमको बहुत सारी कंपनीज में मिलना पड़ता है, उनके HR डिपार्टमेंट से मिलना पड़ता है, उनके रिक्रूटिंग रिक्वायरमेंट्स देखने पड़ते हैं, वी हैव टू मीट अ लॉट ऑफ बैंक्स बिकॉज अ लॉट ऑफ बैंक्स ऑल्सो रिक्वायर लॉट ऑफ पीपल, प्राइवेट कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस। So it is a task to meet a lot of people so that you need to understand the understanding and the job qualifications and the job requirements they need. ये सब काम जो आप निशुल्क करते हैं कि इसका कोई चार्जेस भी लिया जाता है? नहीं, कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है, निशुल्क करते हैं। बिल्कुल। तो आपकी उसके आगे भी जिम्मेदारी बनती है, जो कंपनी ने आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है उन्होंने उन बच्चों को जॉब दी है कि नहीं, उसको भी आप? डेफिनेटली, बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं किसी को एक जॉब अपॉर्चुनिटी बोल के इन्वाइट कर रहा हूँ किसी को जॉब के लिए, एंड इफ दैट पर्सन डजंट गेट अ जॉब देन इट कम्स ऑन टू मी बिकॉज आई एम टेकिंग दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी।